नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी का भाषण बहुत इंतजार के बाद देश ने सुना। आज अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में मोदी जी का बड़ा लंबा भाषण हुआ। 95 मिनट बाद जिस मणिपुर के वजह से अविश्वास प्रस्ताव आया था उस पर उनकी जुबान खुली, लेकिन इस पूरे भाषण में जो कुछ भी कहा उन्होंने, एक एक पॉइंट का पूरा विश्लेषण और कितना सच और कितना झूठ है इस वीडियो में, सब का सब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आंकड़े, तथ्य, रिपोर्ट, IMF की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट, यूनिसेफ की रिपोर्ट, जिसको मोदी जी ने संसद में कोट किया है, मैं उन्हीं रिपोर्ट्स का हवाला दे करके उनके बयानों का पूरा विश्लेषण करूंगा। इसलिए आप ये पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा और ध्यान से देखने के बाद अगर किसी बिंदु पर असहमति या कोई भ्रम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर अगले वीडियो में मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। इस सबसे पहले इस पूरे भाषण में एक चीज आईने की तरह साफ थी बिल्कुल, कि ये मोदी का पूरा भाषण राहुल गांधी और कांग्रेस पर केंद्रित था। इसका मतलब है कि जिस पार्टी को आप कह रहे हैं कि 40 पे सिमट गई, उसी पार्टी से आप सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। खैर, हम इस डर पे अभी बात नहीं करेंगे, हम आंकड़ों पर बात करेंगे। आंकड़े, मैं आपको एक एक आंकड़े मैंने भाषण के साथ जो निकाले हैं वो आंकड़े मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गरीबी पर बात की, बहुत लंबी चौड़ी बात की गरीबी पर बात करते हुए बताया जो है मोदी जी ने कि इस देश में गरीबी घट गई, गरीबों को ताकतवर बना दिया, सशक्त बना दिया। लेकिन गरीबी का जो आंकड़ा है वो सुनिए, 2011 के बाद से गरीबी का कोई आंकड़ा, आधिकारिक सरकारी आंकड़ा भारत में नहीं आया है। विश्व बैंक की जो ताज़ा रिपोर्ट आई अक्टूबर 2022 में, उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या भारत में है, उसी भारत में जिस भारत के बारे में मोदी जी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। 2019 में 13.7 करोड़ लोग, यानी 13,70,00,000 लोग 46 रुपये प्रतिदिन की कमाई पर गुजर बसर कर रहे थे। 61.2 करोड़ लोग 78 रुपये प्रतिदिन की कमाई पर गुजर बसर कर रहे थे। ये कोरोना के पहले के आंकड़े हैं, 2019 के। कोरोना के बाद स्थितियां गरीबों के लिए कितनी बदतर हुई ये आप कल्पना कीजिए। ये 13.7 और 61.2 करोड़ जोड़ लीजिए तो करीब 75 करोड़ हिंदुस्तानी 46 रुपए से 78 रुपए के बीच प्रतिदिन कमाई के बीच अपना जीवन चला रहे थे। यानी देश का 75 करोड़ आवाम, देश की ये ऐसी थी जो पूरे साल की कमाई 14,000 रुपए से 20,000 रुपए थी। मोदी जी ने भाषण में एक बात कही कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी के स्वच्छता अभियान से हर गरीब परिवार साल में 50,000 रुपए बचा ले रहा है, 50,000 रुपए बचा रहा है स्वच्छता अभियान मोदी जी का है। उससे आप कल्पना कीजिए, जिस देश में 75 करोड़ लोग पूरे साल की कमाई 14,000 से 20,000 के बीच झूल रही हो, वो 50,000 रुपए साल में बचा कहां से रहे हैं? इसका जवाब आना चाहिए। कहावत है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। 14,000 से 20,000 रुपए कमाई वाले को आप बता रहे हो संसद में कि 50,000 रुपए स्वच्छता अभियान की वजह से इस देश का गरीब बचा रहा है। अब इन 75 करोड़, जिन गरीबों की संख्या मैंने बताई 75 करोड़, इसके अलावा गरीब हैं तो बताओ, इनसे भी गरीब हैं।
जिन गरीबों की का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, इनसे भी ज्यादा गरीब है जो 50,000 रुपए साल में बचा रहे हैं, तो वो भी आप बता दीजिए। देश को जानना चाहिए, देश जैसे आपकी इतनी बातें सुन रहा है ये भी जानना चाहिए, ये आंकड़े आपको बताना चाहिए कि इस देश में 75 करोड़ ऐसे लोग हैं जो साल भर में 20,000 रुपये 21,000 रुपये से ज़्यादा कमा नहीं पाते पूरे साल की कमाई। आगे सुनिए, वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022, विश्व असमानता रिपोर्ट, जो आर्थिक असमानता है, आर्थिक विषमता है, उस पर रिपोर्ट आई, दुनिया भर की रिपोर्ट, 2022 की रिपोर्ट, जिसके मुताबिक सबसे अमीर 10% लोगों की जो कुल संपत्ति है वो सबसे कम कमाने वाले 50% लोगों की कुल कमाई से 22 गुना ज़्यादा है। सबसे कम कमाने वाले 50% लोगों की कुल कमाई जोड़ लीजिए, उससे 22 गुने ज़्यादा जो 10% ज़्यादा कमाने वाले हैं उनकी आय है। यह इस देश की आर्थिक विषमता है। जवाब देश का गरीब इस पर सुनना चाहता है, जिस देश से आपने गरीबी मिटाई है। हिंदुस्तान में गरीबी का सबूत आपको लेना है तो सबसे बड़ा सबूत मोदी जी की एक योजना है, जिस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। जिस देश में 80 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ लोग 5 किलो मुफ्त के अनाज पर आश्रित हों, उस देश में गरीबी हटा दिया, ये बातें इस मुंह से शोभा नहीं देती, कतई नहीं शोभा देती है। असंगठित श्रमिक पोर्टल सरकारी पोर्टल है, असंगठित श्रमिक पोर्टल, इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या सुनिए आप, इस पे 28,85,00,000 यानी 29 करोड़ मजदूरों का पंजीकरण है। ये मजदूर संगठित क्षेत्र के नहीं, मैंने बताया आपको असंगठित श्रमिक पोर्टल, असंगठित श्रमिक पोर्टल पे जिस देश में 29 करोड़ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, उस देश में गरीबी हटाने की आप बात करते हैं। 2013-14 से 2022-23 तक जीडीपी में 63% की बढ़ोतरी हुई है। सुनिए आंकड़े, पूरा सुनिएगा, पहले मत मुस्कुराइएगा भक्तों, पूरा आंकड़ा सुन लीजिए। 63% की बढ़ोतरी 2013-14 से 2022-23 के बीच जीडीपी में हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी मात्र 47% हुई है। यानी जीडीपी जिस रफ्तार से देश की बढ़ी, इस देश के आदमी की आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई। आईएमएफ का आंकड़ा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसका आंकड़ा है कि 2023 में हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय पूरे देश की एवरेज, प्रति व्यक्ति आय, इसमें अडानी और अंबानी सब जोड़ करके एवरेज आय है, $2,600 प्रति व्यक्ति आय है 2023 में। चीन में, जिस चीन को आप कहते हैं, चीन को हमने दिखा दिया, चीन की ताकत, चीन से ऊपर चले गए, क्या क्या बातें, बेसिर पैर की बातें, इस देश के लोगों को गुमराह करने वाली बातें। उस चीन की प्रति व्यक्ति आय सुनिए, उस चीन की प्रति व्यक्ति आय है $13,720 प्रति व्यक्ति, हमारी कितनी है $2,600 और उसकी कितनी है $13,720। कितने गुना जोड़ी। यूके, ब्रिटेन, सबको आप इकोनॉमी में पीछे करने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी का बहुत बड़ा लिंक है, कनेक्शन है उस देश की कुल जनसंख्या से, देश की आबादी से भी। किसी इकोनॉमिस्ट के साथ बैठिए, मैं तो नहीं हूं इकोनॉमिस्ट, मैं समझने की कोशिश करता हूं। यूके, जिसकी इकोनॉमी को आप पीछे छोड़ने की और सब बातें कर रहे हैं कि हम आ जाएंगे थर्ड पोजीशन पे वर्ल्ड इकोनॉमी में, उस यूके में प्रति व्यक्ति आय है $46,370 प्रति व्यक्ति, भारत में 2,600
और ब्रिटेन में 46,370 डॉलर प्रति व्यक्ति आए। ब्राजील कितने देश, आप गिनते जाइए, भारत कहां पर टिका है? सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने वाले लच्छेदार भाषण, उस भाषण की हकीकत सुनिए। 9,670 डॉलर प्रति व्यक्ति आय ब्राजील की है। इंडोनेशिया, आप तो सबको पीछे छोड़ दिए हैं, इंडोनेशिया 5,020 डॉलर प्रति व्यक्ति आय इंडोनेशिया की है, हमसे दो गुना करीब इंडोनेशिया है। और दूर पड़ोसियों की बात आप करते हैं, बांग्लादेश ने 2019 में आपको पीछे छोड़ दिया था। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान से आगे चल गई थी, लेकिन बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी का कनेक्शन, हर इकोनॉमी कुछ देशों के साथ जुड़ी होती है। रूस यूक्रेन युद्ध से जो फर्क पड़ा उससे थोड़ा डाउन हुई है, और ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है कि अगले 5 साल में, जो आप कह रहे हैं अगले 5 साल में आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, अगले 5 साल में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान से फिर ज्यादा हो जाएगी। अभी भी करीब करीब बराबर है, 2600 डॉलर भारत का है तो 2500 डॉलर बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय है। बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल जाएगा, फिर अभी आगे था 3 साल पहले, और फिर हमसे आगे निकल जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है। IMF की रिपोर्ट, अब ये भी सुनिए IMF की रिपोर्ट क्या कहती है। कांग्रेस पर आपने हमले बोले, कांग्रेस की कमियां अगर नहीं होती तो आज विपक्ष में नहीं होती, लेकिन जिस घमंड की आप बात कर रहे हैं, घमंड ने 400 से 40 पे ले आया, और हम लगातार 2 बार से हमें पूर्ण बहुमत की सरकार जनता बनवा रही है, आपके 2 बार से बनी है। कांग्रेस की गिन लीजिएगा उंगली पर, कितनी बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी इस देश में आजादी के बाद, उंगली पर गिनिएगा। तो अगर उस घमंड से बड़ा आपका घमंड है तो देश की जनता अगर उनको 40 से पहुंचाइए तो हो सकता है आपको 20 तक भी ले आए। IMF की रिपोर्ट मैं तुलना कर दे रहा हूं UPA सरकार और आपकी सरकार, जिस UPA सरकार को बार बार आप कोसते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं, उस UPA सरकार से ही तुलना, उसी सरकार से तुलना सुन लें आप। 2004 से 14 तक प्रति व्यक्ति आय में 145% की बढ़ोतरी हुई। जो प्रति व्यक्ति आय थी देश में वो 4 से 14 के बीच में 145% बढ़ी, जबकि 2014 से 23 के बीच में 67% बढ़ी। यानी जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की रफ्तार UPA शासनकाल के दौरान थी, आपके शासनकाल में आधे से भी काफी कम हो गई, आधे से भी कम हुई। आपके और आंकड़े मैं आपको बताता हूं। स्वच्छता मिशन की आपने बात की, स्वच्छता मिशन आपने कहा उसी स्वच्छता मिशन से 50,000 रुपये हर गरीब का साल में बच जा रहा है। स्वच्छता मिशन की अगर हम माने, उसमें WHO और यूनिसेफ दोनों की रिपोर्ट है, दोनों की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 17% लोग ग्रामीण भारत जो है उसमें 17% लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं 2022 में। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट WHO, जिस WHO और यूनिसेफ को आप कोट कर रहे थे उसी की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ग्रामीण भारत की 17% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी, जबकि 2019 में 3 साल पहले आपने इस देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था, सर्टिफिकेट दे दिया था। अब जाइए आप वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ से लड़िए, या तो यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक को जहां आप कोट कर रहे हैं उनको वापस लीजिए, उसी के हवाले से रिपोर्ट है। अब आंकड़े और समझिए आंकड़े आप। 140 करोड़ की आबादी में 65% ग्रामीण आबादी है, इसमें 91 करोड़ अगर हम परसेंटेज को जनसंख्या में कैलकुलेट करें तो 91 करोड़ बैठता है। ये 91 करोड़ में 15 करोड़ 47 लाख लोग, यानी 15 करोड़ से ज्यादा लोग खुले में शौच के लिए मजबूर है इस देश में। ये 2022 में वर्ल्ड बैंक यूनिसेफ की रिपोर्ट बार बार कर रहा हूं उसके हवाले से है। 25% परिवार ऐसे हैं, 25% परिवार जिनके पास अपना अलग शौचालय नहीं है, लेकिन आपने 2019 में ही मुक्त कर दिया
खुले में शौच से मुक्त हो गया देश। 2022 की ये रिपोर्ट है, 25% परिवारों के पास अलग शौचालय नहीं है। मुंबई में आपने 2017 में ही खुले में शौच से मुक्ति का प्रमाण पत्र थमा दिया था मुंबई को। मुंबई के स्लम में 60 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर 2.5 लाख सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए, लेकिन 1,20,000 है। 25% उसमें से ऐसे बदतर कंडीशन में है कि वहाँ पर कदम नहीं रख सकता आदमी। उन शौचालयों की और स्थिति में बताऊँ, 1769 महिलाओं पर एक टॉयलेट है, एक टॉयलेट, जबकि महिलाओं में 100 से 200 महिलाओं पे एक टॉयलेट होना चाहिए, और कितने पे है, करीब करीब 1800 पे है। सोचिए 696 पुरुषों पर एक टॉयलेट है, जबकि 100 से 400 पुरुषों पर एक टॉयलेट होना चाहिए। यह आपकी गरीबी की रिपोर्ट थी और स्वच्छता की रिपोर्ट थी। अब आगे चलते हैं, 9 सालों में आपने कहा ना आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाले हैं, पिछले 9 सालों में इस देश का कर्ज 181% बढ़ा है। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज यूपीए सरकार के समय था, जो अब 155 लाख करोड़ का कर्ज इस देश पर है, और अगले साल अनुमान है कि 172 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। इस कर्ज को, 155 लाख करोड़ के कर्ज को आप अगर इंडिविजुअल पे बांटेंगे तो इस देश में पैदा होने वाले किसी बच्चे पर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। जिस देश में 75 करोड़ की आबादी साल में 20,000 रुपए नहीं कमा पाती है, उस देश में हर व्यक्ति पे एक लाख रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। अब आपने कहा जिसको कोसती है कांग्रेस वो सब परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। LIC आपने चर्चा की, LIC 35% निगेटिव रिटर्न देने वाला बना है, LIC ने रिकॉर्ड बनाया, और एक साल के अंदर निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं LIC में, 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। आपने कहा चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठने लगा, हकीकत तो इससे उलट है कि जूते वाला अब चप्पल पहन के हवाई जहाज में बैठने लगा। चप्पल वाला हवाई जहाज तक का सफर नहीं तय कर पाया है, अब जूते वाला चप्पल में आ गया है। और अब बात जो आपने कही कि कांग्रेस आप कांग्रेस से इस कदर डरे हैं कि जिस कांग्रेस के लिए आपने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, आज आपके भाषण का 70% समय उसी कांग्रेस के नाम जाया हुआ है। ये जाया हुआ है इसको मैं कहता हूं, क्योंकि अब वही घिसी पिटी बातें कांग्रेस मुक्त भारत वाली अब शायद देश की जनता नहीं सुनेगी। ये आंकड़े देखे और फिर तय करे देश की जनता। इसके अलावा आपने बार बार एक बात 9 साल बाद फिर कहा, इन्हें आज भी दिक्कत है गरीब का बेटा प्रधानमंत्री क्यों बन गया है। कब तक गरीब आप, मैं ईश्वर से कामना करता हूं, काला टीका की बात आपने किया था, काला टीका लगवा करके कहिए तो जा करके शनि के मंदिर में, शनिवार को मैं मंदिर जाता हूँ, मंगल और शनि को वहाँ पर तेल चढ़ा करके दिया जला दूँ। आप जैसा गरीब अगर इस देश का हर नागरिक हो जाए, 140 करोड़ की आबादी अगर आप जैसे गरीब हो गई जिस दिन, उसी दिन भारत का उद्धार हो गया। आप कह रहे थे ये इंडिया, ये कांग्रेस देश को दिवालिया करने की गारंटी है, इस देश के हर बच्चे पर 1 लाख रुपए का, 1 लाख से ज़्यादा का कर्ज हर नागरिक पे आपने कर दिया, देश को दिवालिया करने की गारंटी कौन है? ये देश को तय करना है। आपके भाषणों का ये तो तात्कालिक विश्लेषण था, और बृहद विश्लेषण मैं लेकर के आऊँगा सच को देखने के लिए, हमारी आवाज़ को मजबूत करने के लिए। बस एक निवेदन है, आप हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, यही हमारा सबसे बड़ा सहयोग होगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मोदी के भाषण का पूरा विश्लेषण, 100% विश्लेषण मैं लेकर के आऊँगा, और साथ में अशोक वानखेड़े जी भी इस विश्लेषण को और आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।